वेलकम टू अवर ट्यूटोरियल्स। माय नेम इज शिखर शर्मा और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बच्चों आपको मालूम है कि एसिड जो है बेस के अपोजिट है, बेस एसिड के अपोजिट है। एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं। तो बच्चों आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बच्चों जब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ा रहे हैं तो इसमें वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को जानेंगे। हम बात करें पहली प्रॉपर्टी, दैट मींस हम बेस की बात करें, इट इज बिटर इन टेस्ट। बच्चों अगर देखा जाए तो इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर, दैट मींस कड़वा होता है। इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। सेकेंड थिंग बच्चों, दीज आर सोपी टू टच, मतलब कि ये स्लिपरी होते हैं। दीज आर सोपी टू टच एंड ये से दे आर स्लिपरी, स्लिपरी नेचर के होते हैं। देखें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों आपको मालूम है जो आपके बेस होते हैं वो आपके आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, जो इन फ्री आयंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। नेक्स्ट इज इट टर्न्स फ्रॉम रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब क्या बच्चों ये क्या करते हैं, अगर इसमें जो आपका सॉल्यूशन होता है या कह लीजिए आप एल्कलाइन सॉल्यूशन, दैट मींस वाटर की प्रेजेंस होती है अगर किसी बेस में, और आप उसमें अगर हम रेड कलर का लिटमस पेपर डालते हैं दैट इट टर्न्स इनटू ब्लू इन कलर। नेक्स्ट अगर हम बच्चों बेस को रिएक्ट करते हैं, दैट मींस व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल दैट इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बच्चों देखिए जैसे हम बात करते बेस, हम ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक एक मेटल लिया, तो बच्चों यहां से जो आपका सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट दैट इज Na2ZnO2 प्लस H2, क्योंकि बच्चों हाइड्रोक्साइड ये जो आपका हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस हमेशा डाई एटमिक फॉर्म में होती है, एंड जो आपका ये सॉल्ट बनेगा दैट इज सोडियम जिंकेट। सो व्हाट वी कैन से, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक मेटल दैट इट प्रोड्यूस सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। बच्चों जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, अगर इसको हम किसी फाइव के प्रेजेंस में लाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, जैसे ही ये पॉप साउंड क्रिएट करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो गैस है वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। तो बच्चों और भी प्रॉपर्टीज इसकी हम जानते हैं, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी एसिड के केस में, तो इसमें भी हम वही पढ़ेंगे, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड then it produce salt and water। बच्चों बेस अगर आप ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया और आप कोई भी एसिड ले लेते हैं, सपोज आपने HCl लिया, then it produce NaCl and H2O, that means आपका सोडियम क्लोराइड एंड वाटर को ये बनाएगा। बच्चों तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका सॉल्ट ऑफ वाटर बनेगा। बच्चों इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आपको बच्चों एक एग्जांपल देते हैं, अगर हम वाटर को देखें तो वाटर भी एक तरीके से आपका एसिड और बेस की तरह रिएक्ट कर सकता है। अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं then it produce H3O positive and OH negative।
तो बच्चों आपको ये मालूम है ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन मतलब एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है, दैट मींस H प्लस आयन शो कर रहा है, यहां पर आपका हाइड्रोक्साइड आयन शो कर रहा है, दैट मींस OH नेगेटिव शो कर रहा है, तो एक आपका एक तरीके से एसिड की तरह बिहेव करेगा और सेकंड वन आपका एज अ बेस की तरह रिएक्ट करेगा, जैसे कि ये आपका H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। नेक्स्ट पूछो आपका व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, व्हेन एसिड रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड देन इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। बच्चों अगर आप बात कर लीजिए कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज आप ले लेते हैं कैल्सियम हाइड्रोक्साइड C8H2O2 एंड आपने लिया CO2, एक नॉन मेटलिक गैस है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, मतलब कार्बन एक नॉन मेटल है और एक ऑक्साइड, तो आपका ये बनेगा CaCO3+H2O। आप चाहें तो कोई और भी बेस ले सकते हैं, आप इसकी जगह एडेनोस ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर इसको हम CO2 के साथ करा दें, एक मेटलिक नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ करा दें, तब आपका क्या बनेगा, आपका आपका बनेगा बच्चों Na2CO3+H2O। ये कैसे आपका बनेगा, जब आप इसे यहाँ पे 2Na आपका ये कार्बन वन है, एक कार्बन यहाँ पे हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2N2 4 1N3 4 एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन आते हैं, 2N2 हाइड्रोजन आते हैं। तो बच्चों आपको मैं बताऊं जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो आपका बेसिकली देखा जाए तो ये एसिडिक कैरेक्टर को होता है, यानी कि एसिडिक नेचर को होता है, तो इसकी वजह से आपका एक सॉल्ट बन जाता है, ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसकी वजह से हम उसे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं जब, तो आपका सॉल्ट एंड वाटर बना देता है। तो बच्चों ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहा, पूरी जो आपकी प्रॉपर्टी से बेस की इस तरीके से आप समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो सिंपली तरीके से, और इन्हें रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है, इन्हें हम नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट समझिए कि हम बेस को अगर किसी चीज के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से आप मेरे सपोर्ट करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।